नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि जोशी रसोई रश्मि की चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी भिजौरा। तो चलिए बनाते हैं पत्ता गोभी भिजौरा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बनाते हैं पत्ता गोभी भिजौरा। ये रही सामग्री। ये 100 ग्राम पत्ता गोभी है, 150 ग्राम मूँग दाल है जो कि मैंने घर में पीसी है, मूँग की दाल छिलके वाली, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 150 ग्राम है ये दाल। 2 चम्मच छोटी चम्मच से अदरक और लहसुन का पेस्ट है। चाट मसाला है 1 चम्मच छोटी चम्मच से। 1 मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। 25 ग्राम धनिया पत्ती है जिसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है, नमक स्वाद के अनुसार। 4-5 हरी मिर्ची है जिसको मैंने ऐसे काट लिया है। ये शिमला मिर्च है 1 जिसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। 1 चम्मच बड़ी चम्मच से सौंफ है। 50 ग्राम ये तिली है और 1 गाजर मीडियम साइज का जिसको मैंने ऐसे काट लिया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये मूंग का आटा जो दाल मैंने पीस ली थी उसको इस बाउल में मिक्स कर लेंगे, ऐसे डाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा हमें बचा लेंगे, प्याज कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हरी मिर्च कटी हुई, गाजर कटा हुआ और आधा ये तिल डाल देंगे। चाट मसाला, नमक स्वाद के अनुसार 1 चम्मच और आधी चम्मच और ये सौंफ, थोड़ा सा आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धना पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग आधे पिंच, और इसमें हम पानी आवश्यकता अनुसार लगेगा थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना पानी को, थोड़ा सा और डाल लेंगे। घर के ही सामान से बना, आप लोग भी बना कर देखिएगा। दाल भी मैंने घर में पीसी है छिलके वाली। इसको ठीक से ऐसे हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे जिससे दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी। थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। देख लेते हैं दाल ये फूल गई होगी ठीक से। हाँ ये फूल गई है। अब हम इसके भिजौरे बनाएंगे। जैसे हम भिजौरे बनाते हैं उड़द दाल के, ऐसे हम बना लेंगे। और ये थोड़ी थोड़ी सी तिली लगाते जाएंगे ऐसे। अगर आपको लगे बनाने में गीला लग रहा है तो आप थोड़ा सा पोहा पीस के इसमें डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं अगर लगे गीला है तो।
उसे बनाते सारे हम रख लेंगे। आप लोग बना कर देखिएगा ज़रूर, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है कि 2-3 दिन धूप में सुखाना पड़ेंगे। बनाए और तुरंत ऐसे तल के खा लिए, चाय के साथ या दही के साथ या कोई भी आपकी जो पसंद वाली चटनी हो उसके साथ। सारे हम ऐसे बना लेंगे। अरे ऐसे हम तिली लगाते जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे ऐसे बना लिए हैं। अब इनको हम तलेंगे। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गरम करेंगे मीडियम आंच पर। अब इसमें हम तेल डालेंगे, तेल आवश्यकता अनुसार लगेगा। इसमें मैंने 300 ml तेल लिया है। तेल को हम गरम होने देंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम ये बने हुए पत्ता गोभी भिजोरा डाल देंगे। गैस कितने मीडियम रखेंगे और ऐसे डाल देंगे तेल में। ये देखिए ऐसे लाल तलने हैं, ये हो गए हैं। इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। चटनी मैंने पहले से बना के रख ली थी। टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची और हरा धनिया, नमक, ये वाले भी हम ऐसे इसमें डाल देंगे। धीमी आंच पर तलेंगे हम इनको। ये देखिए पत्ता गोभी भी जरा मैंने तल लिए हैं ऐसे। अब इनको सर्व करने के लिए हम एक प्लेट में, मैंने ये चटनी ले ली है टमाटर की, पहले से बना के रख ली थी, और ये ऐसे हम रख देंगे आराम से। थोड़ा सा ही कटा हुआ हरा धनिया जो मैंने बचा के रखा था, थोड़ा थोड़ा सा वो इसके ऊपर हम ऐसे डाल देंगे। ये देखिए पत्ता गोभी भिजोरा बन के तैयार है। ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।